इटावा के बकेवर कस्बे में चल रहे दो दिवसीय दंगल का समापन करने पहुंचे कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक ने मैनपुरी उपचुनाव के लिए कहा समाजवादी पार्टी को हार मिलेगी। सुब्रत पाठक ने व्यंग करते हुए कहा जिस तरह से कोई इंडस्ट्री को दो भाई खड़ा करते हैं जिसमें बड़े भाई का बेटा उस इंडस्ट्री को हत्या लेता है, वही हाल मुलायम सिंह और शिवपाल के बीच में हुआ। साथ ही निकाय चुनाव को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है और ऐतिहासिक जीत होने का दावा किया है। इटावा के बकेवर कस्बे में चल रहे दो दिवसीय दंगल का समापन करने पहुंचे कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक ने कहा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के साथ साथ मैनपुरी उपचुनाव में भी भाजपा की बड़ी जीत के बारे में मीडिया से बात करते हुए दावा किया। देखो, जिस प्रकार से मैं अक्सर एक बात को कहता हूँ कि एक दो भाई अपने जीवन में मेहनत करते हैं, मेहनत करके कोई एक व्यापार कोई इंडस्ट्री को खड़ा करते हैं और एक दूसरा भाई छोटा है, बड़े भाई का बेटा जब बड़ा हो जाता है तो सारे व्यापार पर जब कब्जा कर लेता है तो छोटे भाई की जो पीड़ा होती है वो शिवपाल की पीड़ा है, तो उनके घर का आंतरिक मामला है। इस पर बहुत ज़्यादा मैं जवाब नहीं दूंगा। इसका प्रभाव भाई इलेक्शन पर कितना पड़ता देख रही है? देखो, समाजवादी पार्टी का जो लूट और आतंक के नाम पर जो इनका एक आभा मंडल जो खड़ा हुआ था उत्तर प्रदेश में, जिसके कारण से वो सत्ता में भी पहुँचे थे, मुझे लगता है वो बुरी तरीके से भरमरा गया है, टूट गया है और समाजवादी पार्टी दोबारा खड़ी नहीं हो सकती।